सेना बनाई और सेना के लोगों ने प्रभु के दोनों पैर के बीच अग्नि प्रकट किया और उस पर बर्तन चावल पकाए। प्रभु के पैर उस आग में जल रहे थे। हे प्रभु, भगवान के ऊपर भारी गोलों से प्रहार किया जिससे प्रभु का भजन से नीचे तक का हिस्सा जमीन में दब गया। एक ही रात में प्रभु महावीर को 20 उपसर्ग दिए गए। संगम देव ने भगवान को 6 महीने तक तकलीफें दी, फिर थक कर उसने माफी मांगी। आगे भगवान ध्यान मग्न खड़े थे, तभी भाग वाला आया और कहा, मेरे पैरों का ध्यान रख। वापस आने पर उसके बैल नहीं मिले, पर ध्यान में लीन प्रभु ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। ग्वाला छेड़ गया। उसने एक कीलनुमा शूल बनाकर प्रभु के कानों में अगले दिन वैद्य ने प्रभु के कान में कीले देखे। उसने प्रभु महावीर के कानों से कील को निकाल दिया। प्रभु मुख से पत्थर को भी भेद में ऐसी चीख निकली। भगवान को असहनीय पीड़ा होने पर भी उनके मन में कोई भी क्रोध और द्वेष की भावना नहीं जन्मी। अद्भुत है ये स्वीकार भाव। ये भगवान का अंतिम उपसर्ग था। कुछ समय बाद आया वो दिव्य दिवस, वैशाख शुद्ध दशमी की तिथि। रुचिवालिका नदी के किनारे पर गोदोही का आसन चौविहार छठ में भगवान ने शपक श्रेणी शुरू कर शुक्र